नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर आपका इस नए वीडियो में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव जरूर कर रहे होंगे। तो जैसा आप सब जानते हैं, अपना चल रहा है प्रोजेक्ट हंटर एंड ये है प्रोजेक्ट हंटर का पार्ट 3। सो इस वीडियो को देखने से पहले रिक्वेस्ट यू कि बचे हुए 2 पार्ट आप देख लीजिए, जो कि कंटिन्यूअसली एक कल अपलोड किया, एक परसों। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं दोस्तों, आज हम लोग ऐड करने वाले हैं जहाँ पे फ्रंट में नंबर प्लेट लगती है वहाँ पे ये HJG की मिनी लाइट्स। एंड ये लाइट्स आपको, अगर आप मेरे को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा, मैंने बहुत टाइम पहले आपको दिखाई थी इंस्टाग्राम पे, इनकी वीडियो बनाई थी जो कि जबरदस्त ब्राइट है। साइज इनका छोटा है लेकिन ब्राइटनेस इनकी जबरदस्त है। तो ये 2 लगवाने वाला हूँ, यानी कि पेयर लगवाने वाला हूँ मैं फ्रंट नंबर प्लेट में। काम अभी अपना स्टार्ट है, बहुत ज़्यादा देर ना करके आपको चीज़ें दिखाता हूँ, प्रोसेस शेयर करता हूँ पूरा। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे, आप रिलेट कर पाए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया। कोई भी ओपिनियन, क्वेश्चन, क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। साथ ही अगर आप ऐसे ही जेन्युइन इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इन फ्यूचर भी देखना चाहते हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और अगर कोई एक्स्ट्रा बातचीत करनी है या कोई भी कस्टमाइजेशन के ऊपर कोई भी आपको ओपिनियन लेना है, कोई मॉडिफिकेशन से रिलेटेड चीज़ है, कोई एसेसरी लेनी है, हेडलाइट हो गई हंटर की या फॉग लैम्प हो गया या कुछ भी है, तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं @bikebone21, जहां मैं बिल्कुल फ्री रहता हूं। आप मेरे से लंबी लंबी बात करिए, कभी भी कॉल करिए, इंस्टाग्राम पर वॉइस कॉल, मैसेज, जो आपका दिल करे वो। तो अभी दिखाता हूं दोस्तों आपको प्रोसेस पूरा, क्योंकि जो प्रोसेस है बहुत बारीक है, बहुत कलाकारी से काम हो रहा है। सो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। सो दोस्तों, ये जो अपनी पत्ती है जहाँ पे नंबर प्लेट लगती है, इसी पत्ती को हम क्या करेंगे, इसी पत्ती में कुछ ना कुछ ऑल्ट्रेशन करेंगे जिससे कि हमारा जो फॉग लैम्प है वो यहाँ पे इस तरीके से लग जाए हेडलाइट के यहाँ पे, और लुक अच्छा आए काफ़ी। तो इस पत्ती को थोड़ा तो हमने ऑल्टर किया है, मतलब ये थोड़ी सी ऐसे टिल्ट आती है, हमने इसको पूरा नीचे की तरफ कर दिया एकदम सीधा। अभी देखते हैं, अपने इंजीनियर साहब लगे हुए हैं उधर लाइट्स को चेक करने के लिए। तो ये जो पत्ती है इसी का मेन खेल है, और दूसरा है फिटिंग का। अब अगर वायरिंग की बात करें दोस्तों, सो वायरिंग, ये जो हमारे बड़े वाले फॉग लैम्प लगे हुए हैं ये HJG के 4x4, ये मैं निकलवा दूंगा अभी। अगर ये किसी भाई को चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, मैं बहुत रीजनेबल प्राइसेस में आपको ये दे दूंगा, मतलब ना के समान पैसों में ये आपको दे दूंगा। बाकी यहाँ से देख सकते हैं आप, ये वायर आ रहा है, इस वायर की कटिंग यहाँ पे, इसको कट को खोल के हम इसको यहाँ पे पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक इसको कनेक्शन दे देंगे अपने जो फॉग लाइट्स हैं नई वाली उनको। अब दोस्तों प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारे जो नए वाले फॉग लैम्प्स हैं उसमें 2 ऑप्शन है, वाइट येलो। अभी हमारा जो ये बटन है, क्योंकि ये जो हमारे फॉग लैम्प लगे हुए हैं इनका क्या काम है, ये जलेंगे ऑन, मैंने यहाँ से ऑन किया तो ये ऑन हो जाएंगे, वाइट जलेंगे। अगर मेरे को येलो चाहिए तो इनके ऊपर कैप लगाना पड़ता है, लेकिन ये वाले जो फॉग लैम्प है इनमें कैप का सिस्टम नहीं है, आप ऑन करेंगे तो वो वाइट जलेंगे। तो अब हमें बटन चाहिए दूसरा, जिसमें 3 ऑप्शन हो, ऑन ऑफ का एंड वाइट एंड येलो का। तो अभी 3 बटन वाला जो है वो अपने यहाँ पे आसपास मिल नहीं रहा है, बट भैया गए हैं अभी ढूंढने के लिए, तो होपफुली मिल जाएगा। मिलने के बाद में फिटिंग स्टार्ट करते हैं। सो ये वाला जो बटन है हमारा, ये फ्री हो जाएगा, फिर वो 3 वाला बटन लग जाएगा। मिलेगा तो है ही डेफिनेटली, कहीं ना कहीं से ढूंढ के तो मैं निकाल ही लूँगा उसको, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये जो लाइट है ना, इसे इग्नोर कर दीजिएगा। ये जो पूरी असेंबली है, ये रिंग एंड ये असेंबली एंड ये लाइट, पूरा बहुत बेहतरीन सेटअप इसके अंदर लगने वाला है बहुत जल्दी। अंडर प्रोसेस है, 1-2 दिन में लाइट मेरे पास आ जाएगी एंड फिर आप देखिएगा जबरदस्त सेटअप। तो दोस्तों फाइनली 1 घंटे के बाद ये घटिया सा बटन हमें मिल गया है, जिसमें कि 3 वाला ऑप्शन है। बाकी ये है तो लोकली, बट अभी के लिए काम चलाने के लिए तो ठीक है, बाद का बाद में देखेंगे, थोड़े टाइम के बाद एक बढ़िया सा ओरिजिनल बटन मंगवा लेंगे एंड वो इसमें लगा देंगे। ये मिंडा का भी नहीं है, बट कहते हैं ना कि समय पे काम आ जाए वो ज़्यादा बेटर चीज़ है, वो है। तो अभी फिटिंग अपनी स्टार्ट हो जाएगी एंड बहुत जल्दी मैं यहाँ से फ्री हो जाऊँगा। सो आपको सारा प्रोसेस दिखाता हूँ। अभी आप देख सकते हैं अपनी फिटिंग जो है ऑक्सिलरी लाइट्स की, फॉग लैम्प्स की प्रॉपरली हो गई है, एकदम जबरदस्त फिटिंग आई है यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब मैं आपको एक बेहद इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो थोड़ी सी आउट ऑफ द बॉक्स है बट है इलेक्ट्रिक एंड वायरिंग से जुड़ी हुई। अभी आप देखिए दोस्तों, ये छोटी सी असेंबली है हंटर की एंड इसी के अंदर हेडलाइट भी फिट होता है एंड इसी के अंदर ये सारी फिटिंग्स, ये सारी चीजें इन्होंने दी हुई हैं।
अब पहली चीज तो एज अ मैन्युफैक्चरर रॉयल इनफील्ड के द्वारा ये गलत किया गया है, इतना तामझाम इस हेडलाइट के अंदर नहीं देना चाहिए था। एंड ये जो हेडलाइट की हाउसिंग है ये भी प्लास्टिक की है, एंड इसमें पीछे यहाँ पे आप देख सकते हैं होल भी है, तो पानी आ सकता है। तो जब भी आप कोई भी इलेक्ट्रिक काम करवाएं, जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो बटन लगवाया हुआ है, सो बटन के लिए हमने ये एक्स्ट्रा वायर यहाँ पे डाला हुआ है, कटिंग कोई नहीं करवाई है वायर, ये जो वायर है यहीं से स्कॉच लॉक के थ्रू इनमें से ही कनेक्शन दे देंगे। तो इस तरीके से क्या है, जो हमारी OEM फिटिंग्स हैं वो परेशान नहीं होती, वो कटती नहीं है, एंड अपना काम भी हो जाता है। अब आप देख सकते हैं ये जो है ये फॉग लैम्प के बटन का वायर है, और ये वाला जो वायर है दोस्तों ये हेडलाइट के बटन का वायर है। तो इसी तरीके से आपको भी अपनी फिटिंग जो इलेक्ट्रिक फिटिंग है वो नीट एंड क्लीन रखनी है, वरना आपकी बाइक में बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब आप ये देखिए ये सारी चीज़ें एज इट इज़ हो जाएंगी जब ये सब कुछ फिक्स हो जाएगा। और जो नया वाला बटन है दोस्तों वो हमने यहाँ पे प्लेस करवा दिया है, जो स्टॉक बटन लगा हुआ था मिंडा वाला वो निकलवा के हमने रख लिया है, क्योंकि ये थ्री वे है एंड वो जो है केवल ऑन ऑफ का ही सिस्टम उसके अंदर था। तो अभी ये सब कुछ तामझाम जैसे ही बंद होता है उसके बाद मैं फिर मिलता हूँ आपको एंड सारी चीज़ें शेयर करता हूँ, एंड वीडियो के लास्ट में आपको इनका आउटपुट दिखाता हूँ कि कितना ज़बरदस्त इनका आउटपुट निकल के आ रहा है। फाइनली अपने फॉग लैम्प प्रॉपरली इंस्टॉल हो गए हैं, अभी आप देख सकते हैं कैसा लुक आ रहा है निकल के, मेरे को तो काफ़ी शानदार लग रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। ये हेडलाइट के नीचे लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप इस तरीके से कुछ, तो मेरे को तो अच्छा लग रहा है। बाकी मैं आपके ओपिनियन की फुल रिस्पेक्ट करता हूँ, आप लोग अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है जैसा भी लग रहा है लिख के बताइएगा। एंड अभी मैं मिलूंगा आपको डायरेक्टली नाइट में, दिखाता हूँ इन फॉग लैम्प्स का आउटपुट कैसा है, ये जो लाइट्स हमने लगाई हैं ये कितनी रोशनी देती हैं। दोस्तों फाइनली आपके सामने है नाइट का आउटपुट, किस तरीके का थ्रो है इसका अभी आप देख सकते हैं। एंड अगर मैं बात करूं इसकी कॉन्फ़िगरेशन की, स्पेसिफिकेशंस की, तो ये फुल्ली जस्टिफाई कर रहे हैं। 80 वॉट्स की ड्यूअल LED सेटअप है इसके अंदर, यानी कि मैं बात करूं चार LEDs हैं, तो इनफ ऑफ ब्राइटनेस है। बाकी कीमत भी तो वैसी है उसकी, सस्ते हैं बेचारे, इससे ज़्यादा क्या लूँगा मैं इनसे। ये वाइट है, अब ये येलो है, येलो थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा है, ये देख सकते हैं आप, वाइट नीचे ही है, येलो ऊपर की तरफ जा रहा है। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, ठीक हो जाएगा ये, अभी इसकी भी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी ये जो है, क्योंकि ये थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है। बाकी आप लोग बताइएगा ओपिनियन अपना कमेंट बॉक्स में लिख के कैसा है सब कुछ। ये देख सकते हैं आप, कुछ और नहीं जल रहा है, केवल ये जो चारों LED हैं यही अभी जल रही हैं, देख सकते हैं आप। और ये जो लाइट है, लाइट में केवल पार्किंग बल्ब जल रहा है, और सामने से देखने में भी सुंदर लग रही है यार, ऐसा नहीं है कि बुरी लग रही है, ये देखिए। तो आई होप दोस्तों ये पूरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो लाइक कर दीजिएगा, कोई भी ओपिनियन क्वेश्चन क्वेरी हो सो आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। साथ ही अगर आप ऐसा ही जेन्युइन इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट इन फ्यूचर भी देखना चाहते हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। एंड मैं मिल जाऊँगा आपको इंस्टाग्राम के ऊपर भी @bikebone21, जहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं किसी भी एसेसरी, किसी भी कस्टमाइजेशन, किसी भी मॉडिफिकेशन के बारे में। एंड मेरे पास भी बहुत सारी एसेसरीज आपको मिल जाएंगी बाइक से जुड़ी हुई। तो मैं मिलूंगा कल शाम को 5:30 बजे आप लोगों से, क्योंकि अपना चल रहा है 365 वीडियोज़ का चैलेंज, जिसमें डेली शाम को एक वीडियो आती ही आती है। एंड अपना प्रोजेक्ट चल रहा है हंटर का, इसको हम बनाने वाले हैं वन ऑफ द बेस्ट हंटर अवेलेबल इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ लुक्स, क्योंकि परफॉर्मेंस के मामले में ये ऑलरेडी रॉकेट है। परफॉर्मेंस में मैंने 60-70 हज़ार रुपये इसमें लगाए हुए हैं, तो अभी लुक्स को इम्प्रूव करना है, वन एंड ऑनली बनाना है, तो वही चीज़ चल रही है अभी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से, जय हिंद जय भारत।